आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जिंदगी में समस्या तो हर रोज इतनी ही खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो चलिए आज कुछ सवाल मुझे भी सरकार से पूछना है। सीएम जी, क्या चल रहा है हमारे कानपुर में? 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं। मीडिया से भी पूछ रही हूँ, तबलीगी जमात पे तो बड़ा हल्ला मचाया था। 57 लड़कियां कानपुर के राज बालिका गृह की कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं, जबकि प्रशासन को आदेश था कि वहां पर उनकी जांच कराई जाए, फिर भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 57 लड़कियों में से 5 लड़कियां प्रेग्नेंट भी हैं, वो भी 7 to 8 मंथ। विश्वास कर सकते हैं आप? शर्म आती है? बस पूछ रही हूँ, आती है क्या? मतलब बड़ा चुड़िया बड़िया भेजने का शौक था स्मृति रानी जी को, भी कहाँ है आप? चुड़िया भेज रही हैं क्या? मतलब मैं पूछ रही हूँ, जस्ट अन नॉलेज। और उसमें से एक लड़की एचआईवी पॉजिटिव भी है, ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि ये 57 लड़कियां जो कोरोना पॉजिटिव है, नाबालिग लड़कियां हैं, इनके साथ लगातार रेप हुआ है, इसके लिए कि आवाज कोई नहीं उठा रहा है। उठाएगा कैसे? आपके पार्लियामेंट में, आपके विधानसभा में महिलाएं हैं कितनी प्रतिशत? अभी तक 30% महिलाओं का जो बिल था वो तो पास करने से गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो पास कर देंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि हम महिलाओं की बात है, इसको दबा के रखा गया है। क्या आपको पता है जो फीमेल्स हैं, टोटल पॉपुलेशन इंडिया में 48.06% है, 48.06% है, और जो मेल है उनकी पॉपुलेशन 51.096% है। मैं सर्टिफिकेट से बता रही हूँ। और इतनी बड़ी आबादी को पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट बॉडी जहां पर पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, वहां पर 48.06% आबादी को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं, उन 9%। तो कैसे इस पर होगा, कैसे इस पर विचार होगा, ये कैसे रेप की चीजें थमेंगी? अभी चुगली नहीं दिखाई पड़ रही है स्मृति रानी जी को, कहाँ है? चिल्लाइए ना, चिल्लाइए, जवाब दीजिए, क्या चल रहा है कानपुर में? योगी जी से पूछिए। हाँ बच्चे ठीक है, तुम, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, पूछिए। 57 लड़के कोरोना पॉजिटिव है, अब क्या मीडिया हल्ला नहीं मचाएगी इस पर? गएगा ना एक सुर में, अब बुरा ही लग रहा है आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। इतनी छिछलेतरी भाई पैदा क्यों करते हो? और मुझे तो लगता है कि हम लड़कियों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जरा सा आगे बढ़ जाओ तो हजार लोग रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये तो औरत है, तो ये कैसे आगे बढ़ सकती है? इसको आगे मत बढ़ने देना, इसकी टांग पीछे खींच लेना, इसको ऊपर मत नहीं उठने देना, ये औरत है, ये कुछ नहीं कर सकती है। क्यों भाई, किस चीज में कमी है हमें, हमारे आप में? क्या हम पढ़ने में कम है? क्या किसी और तरह से कमी नजर आती है? क्या हम आपको कुछ संभाल नहीं सकते? हम अच्छे तरीके से घर भी संभाल सकते हैं, ऑफिस संभाल सकते हैं, और अपना घर का काम भी कर सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं, वो आप लोग नहीं कर सकते, वो आप आदमी लोग नहीं कर सकते जो हम औरतें कर सकते हैं, और इतनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आपको सोचने या समय का भी नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी जी को याद कर लीजिए, झांसी लक्ष्मी बाई को याद कर लीजिए, झलकारी बाई को याद कर लीजिए, वो भी इसी हमारे इसी मुल्क की बेटियां थी। अगर सब झांसी की रानियां नहीं होती तो आप वहां पर अभी अपनी आराम से कुर्सी या गद्दी में नहीं बैठे होते। सारा क्रेडिट जो है ना खाली मेल फैक्टर्स को नहीं जाता, फीमेल्स को भी जाता है। क्यों नहीं देते प्रदर्शन जब महिलाएं का रिजर्वेशन है, क्यों नहीं उसको पास करने में आप लोगों को जो है आग लगी हुई है? क्यों नहीं पास हो रहा है अभी तक के? एनआरसी तो एक मिनट में पास हो गया था, ये पास करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? पूछ रही हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछती हूँ, सर क्यों नहीं पास करा बिल, क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? एक तरफ का आपका दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भाई 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में उसको भी तो पास कराओ। बेटी पढ़ेगी तब तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी कुछ और भी तो बनना चाहेगी ना, आप किसी और को तो मौका नहीं देना चाहते हैं। सारी मलाई तो आप लोग खुद तो बैठ के खाना चाहते हैं, सारी सरकार तो आपके हाथ में है। तो कानपुर में 57 लड़कियां जो है कोरोना पॉजिटिव हो गई है, सबको सबको जो रेप हुआ उनका, आपके नाके नीचे सब चलेगा? कुलदीप सेंगर को छोड़ दिया आपने मिस्टर रोल पर, चलेगा ये सब? क्यों भाई ये सारी नाइंसाफी हम लड़के साथ क्यों? तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था,
हमें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि पढ़ो लिखो, लड़कियां पढ़ेंगी, पार्लियामेंट में बिल भी तो पास करो, एक बार हमारे में सत्ता भी तो दो, देखो भी लड़कियां क्या करती हैं, देखो जरा, हमें हर कुछ चलाना आता है। और जान ले रखी है, आपको तो पता ही नहीं है कि किस तरीके से अच्छे से रहना है और गरीबों को किस तरीके को और गरीब बनाना है। सारी कंपनी आपने बेच डाली है, आपने बनवाई थी, आप एक लाइन से मैं आपको गिरवा दूंगी। मोदी जी के राज में माय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आपके राज में सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियां बेची गई हैं, ये साफ साफ ठोका है देश के साथ। अगले वीडियो में मिलूंगी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ।